ओके ध्यान दो, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ना, 8 क्वेश्चन तक हमने फर्स्ट लेक्चर में कर लिया ना, क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया ना हमने। हाँ, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, कोई बीच में बात बात नहीं करेगा। कॉमन क्लेचर मेरे साथ चाहिए, तुम लोग भी ले सकते हो या फिर देखना तो ध्यान भी दे सकते। कॉमन क्लेचर ऑफ इथर्स, नॉर्मल क्लेचर का मतलब मालूम है ना, कॉमन नेम और आईपैक नेम दोनों लिखेंगे बेटा, इजी इतना कुछ नहीं है। पहले कॉमन नेम सिखा देता हूँ फिर हम लोग आईपैक देख लो, एक ही बार होता है, ध्यान से देखना अच्छे से देखो। CH3OCH3 क्या ये इथर है? क्या ये इथर है? कैसे मालूम पड़ता है? या तो दो अल्काइल, या तो दो अराइल, या तो एक अल्काइल एक अराइल, ये लॉजिक है इथर का। कॉमन नेम, पहले मैं तुमको कॉमन नेम बताऊं। हां, ये एक टाइप का सिमेट्रिक इथर है ना, सिंपल इथर इसको बोलते हैं। कितना मिथाइल? बोलो कॉमन नेम बताओ। डायमिथाइल। क्या डायमिथाइल? सब लोग ध्यान दो क्योंकि ये तुमको बाद में काम में आएगा, जब सीटी वगैरह सिखाएगा तो यही सब वहां पे लगेगा। आजू बाजू सेम सेम के अलग 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 है, कौन से टाइप का इथर है? अनसिमेट्रिक ना, या तो असिमेट्रिक है, या तो मिक्स्ड इथर बोल सकते हो। अच्छा, एक साइड इथाइल अटैच है, एक साइड मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, पहले ई आएगा बाद में एम आएगा, बोलो नाम। हाँ, तो इसका नाम रहेगा इथाइल मिथाइल ईथर। समझ आ रहा है? बोलो समझ आ रहा है? क्लियर? समझ लो एक ही बार में एकदम अच्छे से, और अभी कभी याद भी हो जाना चाहिए पूरा कट टू कट। नेक्स्ट आगे देखो, अगर समझो ऐसा कुछ मॉलिक्यूल है CH3O, फिर CH2CH2CH3 ऐसा मॉलिक्यूल, बताओ क्या ये इथर है? ये इथर है ना? क्या ये अनसिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक इथर है? दोनों साइड अलग अलग ग्रुप अटैच है, अनसिमेट्रिक। एक साइड अटैच है प्रोपाइल, दूसरी साइड मिथाइल, बोलो नाम। पहले एम आता है तो मिथाइल प्रोपाइल, क्या इथर? समझ में आ रहा है सबको? थोड़ा फटाफट जाएं क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है ना, अब तुमको ऑलमोस्ट केमिस्ट्री 2 अभी आने लगा है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट, बस ज्यादा बात नहीं, याद है C6H5 सुनते ही नेक्स्ट टाइम होना चाहिए था। OCH3 इधर देखो, क्या ये अनसिमेट्रिक इथर है? क्या एक साइड फिनाइल अटैच है? बेंजीन बोलेंगे, फिनाइल बोलेंगे, फिनाइल CCH5 फिनाइल होता है बराबर, लेकिन जब मैं उसको आईपैक में आएगा तब देखेंगे वो टाइम पे उसका क्या होता है बराबर। अभी तो इधर अल्काइल लिखना पड़ता है, डाई अल्काइल या फिर जो भी लिखा, अल्काइल अराइल इथर बराबर। मिथाइल और फिनाइल है, पहले क्या लिखेंगे? मिथाइल, क्योंकि मिथाइल एम से चालू होता है, बोलो। हाँ, इसका नाम रहेगा मिथाइल फिनाइल ईथर। समझ में आ रहा है सबको? बराबर, आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, नेक्स्ट एक मॉलिक्यूल है, उसका कॉमन नेम नहीं है, इसकी उसका नहीं बना रहा, उसका अभिपैक नेम देगा। सबको समझो कॉमन नेम सबका। पहला कॉलम ये दिखाई दे रहा है, ये वाला कॉलम, ये कॉमन नेम है। अब जो मैं आगे बनाऊंगा वो अभिपैक करेगा, समझ जाओ। तो अभिपैक देखो, अभिपैक बहुत इजी है, एक शॉर्टकट जरा सिखा दो, फिर जरा देखो ध्यान से। जो भी छोटा अल्काइल ग्रुप रहेगा उसको एज अ ऑक्सी ट्रीट करेंगे। कैसा ट्रीट करेंगे? अब ऑक्सी का मतलब क्या है तुमको एक नाम करने में बता दूंगा कैसे आ जाता है ऑक्सी का मतलब, खाली मेरा स्टेटमेंट याद रखो। जो छोटा अल्काइल ग्रुप रहेगा, एग्जाम्पल से मिथाइल और इथाइल में से छोटा अल्काइल ग्रुप कौन सा है? मिथाइल। उसको मैं एज अ ऑक्सी ट्रीट करेंगे। ऑक्सी का मतलब बताऊंगा लिखने टाइम, खाली याद रखो बस, छोटा तो ऑक्सी समझा, और बाकी तुम्हारा अल्केन हो जाएगा, बाकी अल्केन, छोटा ऑक्सी बाकी अल्केन, या फिर ऐसा याद रखो, छोटा रहेगा तो ऑक्सी, बड़ा रहेगा तो अल्केन, याद रहेगा छोटा ऑक्सी और बड़ा अल्केन। समझ आ रहा क्या है? स्टार्ट करते हैं, बोलो। चलो नेक्स्ट, इधर तो बताओ जरा ये दोनों में से किसको, कौन सा छोटा है? एक्चुअल में देखा जाए तो दोनों छोटा है, एक्चुअल में देखा जाए तो मैं एक पार्ट को यहाँ पे ऑक्सी ट्रीट करूँ, कोई भी एक पार्ट को, ध्यान दे रहे वाला देखो, क्या मैं इसको ऑक्सी ट्रीट करूँ? और हमेशा ऑक्सी पहले लिखते हैं, पहले ऑक्सी लिखते हैं। इसका नाम जरा देखो क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा कितना कार्बन बताओ? एक। तो इसका नाम रहेगा मिथॉक्सी। समझ में आ रहा मिथॉक्सी मतलब क्या है? बोलो, मैंने क्या बताया था, छोटा चीज हमेशा ऑक्सी बनाएगा और जो बच गया या फिर जो बड़ा चीज रहेगा वो क्या बनाएगा? ये केस में बड़ा नहीं क्योंकि दोनों सेम सेम है, बोलो एक ही कार्बन, तो क्या नाम लिखो बताओ? मीथेन। अगर नहीं समझा रहेगा तो और बहुत सारा करने वाले अपने आप समझ में आ जाएगा। समझ में आया? बोलो ये चीज, छोटा के लिए ऑक्सी, जो बच्चा वो अल्के या फिर जो बड़ा रहेगा वो अल्के। नेक्स्ट बताओ कौन है दोनों में छोटा? ये दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, इतना ये स्टार्टिंग एक दो बनाता हूं, उसके आगे मैं बनाने वाला नहीं है, समझो जरा, समझा? छोटा वाला पार्ट ऑक्सी, एक बोलो नाम बताओ क्या रहेगा? मिथॉक्सी। रुक जाओ थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बोलो क्या है बताओ? मिथॉक्सी।
मिथॉक्सी आएगा, जो बच गया उससे क्या बनता है एल्केन, दो कार्बन का एल्केन का नाम। समझा रहे, कल का ओरल है यार, तुमको आना ही चाहिए, ऑप्शन नहीं मतलब आना ही चाहिए। नेक्स्ट आगे बताओ, आप खुद से बताओ, रुक जाओ, एक ही जगह बताएंगे सब, बीच में मिक्स मत हो, इसका आंसर कर सकते ना। जगदेश बोल, मिथॉक्सी प्रोपेन, ये छोटे वाले अल्काइल को इसने ऑक्सी ले लिया और जो बच गया वो तीन कार्बन को एल्केन लिया ना। अरे बड़ा बताया कि नहीं उसने, हाँ तो बोलो क्या नाम रहेगा, मिथॉक्सी प्रोपेन। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा दूसरा देखो, अब नेक्स्ट वाले में उधर आता है बेंजीन ना, उधर इसको फिनाइल मत देना, फिनाइल से कॉमन नहीं मिलता, पढ़ाते पढ़ाते बता दिया तुमको ना, इधर इधर बेंजीन आएगा, इधर अल्काइल नहीं आएगा। अनिरुद्ध बता, छोटा कौन है इसमें से, मिथाइल वाला पार्ट है, बोल नाम क्या लिखेगा, ये मिथॉक्सी, इसको फिनाइल नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे, बेंजीन, पूरा नाम क्या रहेगा, मिथॉक्सी बेंजीन, राइट है, बोलो समझ आ रहा है सबको, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, अगर पहले का सब कुछ आता तो ये भी बहुत इजी, मिथॉक्सी बेंजीन, समझ में आया सबको इतना। एक थोड़ा अलग कंपाउंड जरा ध्यान दो, साइक्लिक कंपाउंड है, उसका मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना रहा, जरा ध्यान से देखो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है CH3, CH3, वैसे अगर छोड़ दीजिए तो भी समझ में आ जाना चाहिए कि वहां पे CH3 है, OCH3, OCH3, क्या लगता है इसमें किसको ऑक्सी लेंगे बताओ, ओ किसके साथ, ये साइक्लिक है ना, साइक्लिक मतलब बीच में ब्यूट वाला पार्ट है, चार कार्बन है वहां पे, ऐसा किसको ऑक्सी लेंगे, ओ जिसके साथ में देखो शॉर्टकट दिखाई दे रहा है, तो यही छोटा ना, ये तो बहुत बड़ा हो गया देखो, बराबर है, तो बोलो किसके लिए ऑक्सी आ गया बताओ, मिथॉक्सी, बराबर है मिथॉक्सी, उसके बाद बोलो ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट तुमको मालूम है क्या बन रहा है ना, ये तो क्लियर है कि ये मिथॉक्सी है, ये मिथॉक्सी है बराबर, लेकिन जरा बाजू में भी देखो क्या ये अल्केन, ये अल्केन मिल जाएगा तुमको, ये प्रॉपर अल्केन है, देखो साइक्लोब्यूटेन है, लेकिन साइक्लोब्यूटेन पे ना तुम्हारा वो जो CH3 जो अटैच है वो कोई तो कार्बन पे अटैच है, और वो एज अ क्या यूज करेंगे बताओ तुमको, उसको सब्स्टिट्यूट यूज करेंगे ना, तो पहली बात तो नंबरिंग करो, जरा नंबरिंग करो, कहां से नंबरिंग करेंगे, जहां से ओ नजदीक, जहां से तुमको ओ नजदीक मिल गया, अरे इथर में ROR ना या फिर ROR डैश, जहां से ओ नजदीक वहां से नंबरिंग करो, और जरा बताओ नंबरिंग कैसे चलो, कहां से करेंगे, इधर से चालू करो वन, क्या ये वाले कार्बन चालू है, ये वाले कार्बन चालू करना पड़ेगा, ये फर्स्ट, क्या मैं नीचे हो कि आगे जाओ, आगे उधर जाना, नीचे कैसे, इधर तुम्हारा सब्सट्रेट जहां नजदीक है उसको देंगे ना नंबर, फर्स्ट नंबर, तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बराबर है, बराबर, पहले बताओ तुम लोग क्या लिखे, पहले मिथॉक्सी लिखेंगे, पहले अल्केन लिखेंगे, पहले मिथॉक्सी, लेकिन क्या मिथॉक्सी तुम्हारा कहां अटैच हो भी बता दो, किधर अटैच है, वन पे अटैच है ना, वन पे कौन अटैच है, मिथॉक्सी, और फिर टू पे हमारा क्या आता है, दो सब्स्टिट्यूएंट, टू कॉमा टू डाइमिथाइल, वन मिथॉक्सी, टू कॉमा टू डाइमिथाइल, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा नंबरिंग गलत हो जाएगा यहाँ पर, देखो इसमें बराबर नहीं आएगा, याद रखो एक चीज नया तुमको सिखाता हूँ यहाँ पे, इधर देखो इथर्स वाले केस में, इथर्स वाले केस में जहां तुमको सब्स्टिट्यूएंट नजदीक दिखाई दे ना वहां से नंबरिंग करो, नहीं तो गलत हो जाएगा उसका आंसर तुम्हारा, समझ आ रहा, याद रखो इथर्स में नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है, बराबर है, सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है तुम्हारे लिए, CH3 सब्स्टिट्यूएंट है ना, CH3 तुम्हारे लिए सब्स्टिट्यूएंट, बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे, किसको बन लूं, ये बन, क्या नीचे आओ टू के लिए, नहीं नीचे आएंगे, इधर आएंगे ना, फिर इसको नेक्स्ट मिलेगा, सीधा बैठो या तो घर पे चले जाओ, बराबर है, याद रखिए मैंने क्या बताया, ईथर्स में किसको नंबर मिलेगा बताओ, पहला नंबर या फिर लोएस्ट नंबर किसको मिलेगा, सब्स्टिट्यूएंट, याद रखो पहली बार इसके लिए बता रहा है, फर्स्ट टाइम आ गया, ओके चलो बताओ नाम बताओ, ऑक्सी तुमको मालूम है पहले से, ऑक्सी मालूम है कौन, ऑक्सी बताओ, मिथॉक्सी, क्या पहले लिखो मिथॉक्सी, पहले मिथॉक्सी लिखेंगे ना, पहले मिथॉक्सी बाद में अल्केन लिखने वाला पार्ट आता, बोलो क्या कितने पे, इसका कॉमन नेम नहीं है, कॉमन नेम नहीं है इसका, बोल टू मिथॉक्सी, टू मिथॉक्सी, आगे बताओ, रुक जाओ, क्या ये साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड, डायरेक्ट साइक्लोब्यूटेन लिखो कि पहले साइक्लोब्यूटेन पे सब्स्टिट्यूएंट लिखो, पहले सब्स्टिट्यूएंट आता है कितने बताओ, 1.1, अरे 1 पे दोनों है ना, डाइमिथाइल, फिर साइक्लो, साइक्लोब्यूटेन, बराबर है ना, समझा तुमको एक चीज, तुमको यहाँ पे क्या बताया मैं, ईथर्स में लोएस्ट नंबर उसको दो जो सब्स्टिट्यूएंट है, समझ में क्लियर है, चलो आगे बढ़ते, समझ में आ गया ईथर्स क्या है, तो तुमको मैंने अल्कोहल्स और फिनॉल्स का नॉमेनक्लेचर पहले लेक्चर में सिखा दिया था, ये किसका है नॉमेनक्लेचर है, ईथर्स का, अब प्रिपरेशन, प्रिपरेशन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, प्रिपरेशन 11th का प्रिपरेशन और 12th में जो उन्होंने एल्डिहाइड्स किया उसका
नया कुछ नहीं है इसमें, नया कुछ भी नहीं है, एकदम फटाफट कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। किसका प्रिपरेशन बोलो पहले कराओ, चैप्टर का नाम क्या है? अल्कोहल फिनॉल से, पहले अल्कोहल का देखेंगे, फिर फिनॉल देखेंगे, फिर इथर, इथर थर्ड लेक्चर में आएगा, आज सिर्फ अल्कोहल फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, बराबर। अल्कोहल मेरे को तो डायरेक्ट याद है, अल्कोहल कहां कहां से बनता है, देखो एल्डिहाइड्स का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूं तो कौन सा अल्कोहल मिलेगा? प्राइमरी, प्राइमरी सॉरी एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, बराबर है। कोई भी एल्डिहाइड लो, अगर मैं उसका रिडक्शन करूं तो क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल, बराबर है। कोई भी कीटोन लो, अगर मैं उसका रिडक्शन कर दूं तो अरे सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी बताता हूं जो कंफ्यूज हो गए, देखो इधर सुनो, थोड़ा और अच्छा बात सुनो, अगर मैं अब थोड़ा अलग पूछ रहा हूं, सोच के आंसर, कुछ मत बोलना, अगर मैंने प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो क्या मिलता है? एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड का पूछ रहा मैं तुम्हें। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करूं तो क्या मिलेगा? कीटोन, मालूम है चीज, बराबर है ना। अब जरा इसका ही उल्टा पूछा तुमको, ऑक्सीडेशन किया तो आगे, रिडक्शन किया तो पीछे। अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल का रिडक्शन, सॉरी अगर मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन करूं तो क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल, कोई भी एल्डिहाइड लो अगर उसका रिडक्शन करें तो क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल, बराबर। कोई भी कीटोन लो अगर मैं उसका रिडक्शन करूं तो क्या मिलेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन जो तुम लोग कंफ्यूज हो गए ना, वो बताता हूं सुनो, अगर मैंने कीटोन्स को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कर दिया तो बन जाएगा टर्शियरी अल्कोहल, ये था लॉजिक, समझा? एक और सुनो, अगर मैंने फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ये नया चीज नहीं सिखा रहा है, ये तुमने पढ़ा हुआ चीज है, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में सिखाया हुआ है। अगर मैंने फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कर दिया, बोलो कौन से टाइप का अल्कोहल मिलेगा? फॉर्मल्डिहाइड बोल रहा हूं, प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा कंपाउंड है, करके भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं अभी तो सुन लो, जस्ट करके दिखाएगा तुम्हें। अगर फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट किए तो क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल। अगर फॉर्मल्डिहाइड छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड ले लो, उसको मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कर लिया तो तुमको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, बराबर। अगर मैंने कीटोन्स को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट किया तो टर्शियरी अल्कोहल। छह लॉजिक है, छह प्रिपरेशन तो ओरली याद है, तुमको भी याद होना चाहिए। एल्डिहाइड का रिडक्शन बोलो क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन्स का रिडक्शन सेकेंडरी अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन्स, कोई भी कीटोन्स लो उसका रिडक्शन अगर मैं, सॉरी उसको अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करूं टर्शियरी। पांच पांच छह नहीं, पांच पांच ऐसी ओरली में याद है, पहले यही करके दिखा दो तुमको। अरे ये पढ़ा चुका हूं मैं तुमको एल्डिहाइड कीटोन्स में, यही पहले कर दो। चलो रिडक्शन के लिए बहुत सारा तरीका है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं, पढ़ाया था LiAlH4। सबसे इजी रिडक्शन होता है रैनिनिकल से, जो कोई भी कर लिया बहुत इजी रिडक्शन, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम किससे भी कर सकते हो। देखो ये बता, मेरा काम बताने का है, रैनिनिकल से सबसे इजी रिडक्शन होता है, उससे थोड़ा डिफिकल्ट रिडक्शन तुमको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से मिलेगा, LiAlH4, जो चार नेसेंट हाइड्रोजन एटम देता है, याद है सिखाया था, इधर लिखा था चार LiAlH4, जो मोस्टली मैं यूज करता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन में। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन तुम्हारा सिंपल रैनिकल से नहीं हो सकता है, क्योंकि तुमको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करना पड़ता है, बराबर, फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। चलो ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, पहले सिंपल सिंपल करते हैं। बताओ सबसे पहले बताओ, मैं अल्कोहल बना के दिखाऊं फर्स्ट, बोलो किससे बनाऊं, सबसे इजी एल्डिहाइड बनाऊं। एल्डिहाइड का क्या करूं तो रिडक्शन, क्या करूं तो मेरे को बताओ, अल्कोहल रिडक्शन। चलो बोलो तो रिडक्शन ऑफ क्या, या तो लिखो फ्रॉम एल्डिहाइड्स और ब्रैकेट में बोलो क्या करना पड़ेगा तुमको, रिडक्शन। देखो ये सब इजी इजी चीज है, कुछ नया नहीं सिखा रहा तुमको। फ्रॉम एल्डिहाइड्स ना, फ्रॉम एल्डिहाइड्स, क्या कोई भी एल्डिहाइड यूज करेंगे? कोई भी कर सकते हैं रिडक्शन में, कोई भी कर, ग्रिग्नार्ड में स्पेसिफिकली होता है ना, ग्रिग्नार्ड में। फ्रॉम एल्डिहाइड में बोलो करूं क्या, रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दो तीन तरीके से कर सकते हैं, देखो दो तीन तरीका बता देता हूं, ओरली बताता हूं। अगर तुमने रैनिनिकल यूज किया एट 473 केल्विन या तो 373 है, डायरेक्ट हीट देखेंगे चलता है, रैनिनिकल हीट किया तो तुमको मिलता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्या मिलेगा, समझा। अगर सोडियम अमालगम यूज किए, सोडियम अमालगम बराबर इन एसिड वगैरह यूज किए तो उस टाइम पे तुमको नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा। मैं ऑप्शन बता रहा, तुमको जो इजी लगता है वो यूज करने का, बराबर। रैनिनिकल बराबर हीट करेंगे तो कौन सा मॉलिक्यूल देता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, चाहिए तो ये सब लिखते भी जाओ, बराबर। नेसेंट हाइड्रोजन किससे मिलता है, सोडियम अमालगम के साथ तुमको नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा। लिथियम हाइड्रेट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट यूज करेंगे तो भी तुमको नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा। सबसे इजी होता है फर्स्ट वाला रैनिनिकल, वही मैं तुमको करा के दिखाएगा। चलो करते हैं, बोलो कौन सा एल्डिहाइड यूज करूं, बोलो तुम बोलो, मैं करके दिखाएंगे, बोलो बोलो कोई भी एल्डिहाइड बोलो कौन सा,
फॉर्मेलिटी ऐड करो, क्या एस्टर ऐड करो, क्या करो, बोलो एस्टर कर, चलो बोलो। तो CH3C डबल बॉन्ड OH, क्या ये एस्टर ऐड है? मैं नीचे नाम नहीं लिख रहा तो क्योंकि तुमको नाम आता है, क्या ये एस्टर ऐड है? क्या करने वाले बताओ इसका? हर ध्यान दे रहा पीछे, नीचे नहीं इधर बच्चे ध्यान। रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ क्या? हाइड्रोजन। बताया दो तीन तरीके से आ सकता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, किससे आता है? रैडिकल से आता है। डायरेक्ट एन ना लिखेंगे तो भी चलेगा, तो पूरा लिखो, बोलो क्या? रैडिकल। ना अरे एन ई वाई ना, डायरेक्ट लिखता हूं, देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, रैडिकल बराबर अल्काइल निकल लिया, आर लिख देता हूं, ऐसा चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रैडिकल टेम्परेचर रहता है, डायरेक्ट हीट लिखता हूं, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हीट बड़ा हीट करना पड़ता है। बोलो क्या बनाने का तुमको? अल्कोहल, अल्कोहल बनाने का है। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड टूटा तो दो जगह खाली हो जाता है, एक जगह कार्बन के पास और एक जगह ऑक्सीजन के पास। जरा ध्यान से देखना, CH3 तो तुम्हारे पहले से है, CH3 पहले को बहुत इजी रिएक्शन है, कुछ ज्यादा इजी है, CH3 है ये तुम्हारे पास पहले से, क्या है? CH है, CH है। इस कार्बन के पास बोलो इस हाइड्रोजन में से कोई आने वाला, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक आएगा ना H, CH पहले था, बोलो अब क्या बन जाएगा? CH2, अब बन जाएगा वो CH2, और O का भी एक बॉन्ड, O का भी एक वैकेंस खाली है, वहाँ पे बैलेंस नहीं है, तो O के पास भी एक H जाएगा। अरे दो दो H यूज किया है ना, H2 यूज किया ना तुमने, एक H इस कार्बन के पास आया, एक H ऊपर गया, बोलो क्या बन गया? OH। क्या ये प्राइमरी अल्कोहल है? है ना, बिकॉज OH ग्रुप इज अटैच्ड टू अ कार्बन आइटम व्हिच इज अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन, तो ये कौन सा नाम बताओ? इथाइल अल्कोहल या तो इथेनॉल, समझा कितना इजी है? ऐसे इजी आगे वाला किया, इजी से समझा, कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती, समझा? बोलो अब अगर समझो मुझे कीटोन से बनाना है अल्कोहल, किससे बनाने का? तो क्या करना पड़ेगा? क्या रिडक्शन ही करूं? रिडक्शन ही करना पड़ेगा बरा? ओके, तो फ्रॉम बोलो क्या लिखूं? फ्रॉम बोलो फ्रॉम कीटोन्स करूं क्या? रिडक्शन, रिडक्शन करना पड़ेगा कीटोन से, हमको रिडक्शन करना पड़ता है। क्या रिडक्शन का मतलब होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गैलेनिकल हीट से मिल जाएगा तुमको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हो गया फिर काम। बोलो कीटोन में कौन सा कीटोन सबसे छोटा कीटोन? एसीटोन, तीन कार्बन का कीटोन सबसे छोटा कीटोन होता है, CH3C डबल बॉन्ड OCH नाम प्रोपेनॉन बोल सकते हो, एसीटोन बोलेंगे तो भी चलता है, दोनों चलेगा। क्या करो बोलो? मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलेगा, किससे मिलेगा? रैडिकल यूज करना पड़ेगा। अच्छा रैडिकल को एक टेम्परेचर पे यूज करते हैं ना, रैडिकल हीट बराबर है, मालूम है जो काम ऊपर किया इधर बताओ क्या हो गया होगा? डबल बॉन्ड टूटेगा, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन O के पास बन गया OH, बोलो CH3, नीचे बताओ क्या? CH आएगा, आगे बताओ आगे CH3 और ऊपर बन गया सेकेंडरी अल्कोहल, बता दो तुमको मैंने, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूं तुमको कीटोन मिल जाता है, ये पढ़ाया था ना, कीटोन्स आर द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, बराबर ना? H2 में से एक H नीचे आया, एक H ऊपर गया, बराबर ना? ठीक है, बाकी CH3 तो पहले से था। बोलो समझा है? एल्डिहाइड से तुमको अल्कोहल बना के दिखाया, कीटोन से अल्कोहल बना के दिखाया, अब बोलो क्या किसे बना के दिखाऊं? एक और बच गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने क्या बताया? कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या तुम लोग ये यूज कर सकते हो? रैडिकल वो जल्दी नहीं, वो किसके लिए क्या करना पड़ेगा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, चार नेसल हाइड्रोजन एटम फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस ना, मालूम है ना? चलो तो फ्रॉम क्या? फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन, लेकिन रिडक्शन के लिए अब तुम लोग रैडिकल यूज नहीं करते, ठीक है? एक प्रॉब्लम देखो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ एक प्रॉब्लम है, वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता है उसमें, तो एक दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास हो, तुमको मैं क्वेश्चन नंबर 4 में बताऊंगा, ध्यान दे रहा है? इधर देखो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ बताओ प्रॉब्लम क्या है? एक्सपेंसिव बराबर, बहुत महंगा है। चलो करते हैं, बोलो क्या करूं? बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी है, CH3C डबल बॉन्ड OH राइट है, चार नेसेंट हाइड्रोजन एटम किसकी वजह से? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बराबर है, फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोजन बराबर है ना, मालूम है ना? अच्छा बताओ ये चार नेसेंट हाइड्रोजन एटम का ये बताओ क्या होने वाला, बताओ यहां क्या आएगा? यहां बताया था वो टाइम पे डबल बॉन्ड पे अटैक करता है, पूरा का पूरा डायरेक्ट डबल बॉन्ड तोड़ देगा, तो ऑक्सीजन फ्री हो गया, एक ऑक्सीजन को वाटर बन के जाने के लिए कितना हाइड्रोजन लगता है? दो, तो यहां से दो H और यहां से एक O, क्या बनाया बताओ? प्लस में
देखो अल्कोहल का रिएक्शन बहुत इजी है, प्रिपरेशन बहुत इजी है, ध्यान देकर मत। कितना हाइड्रोजन बचे बाकी है तुम्हारे पास, वो दो का दोनों हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? ये बीच वाले कार्बन, किसने अपना दो बॉन्ड तोड़ा है, बोलो क्या बनेगा? CH3CH2OH कौन सा अल्कोहल मिला? प्राइमरी सेकेंडरी की टर्शियरी, समझो लॉजिक क्या है। एल्डिहाइड का रिडक्शन करो तो भी प्राइमरी अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी रिडक्शन तो भी, लेकिन अगर कीटोन्स का रिडक्शन कर दिया तो, समझो लॉजिक क्या है, बोलो। हाँ क्या बता दे, क्या है बताओ? तो दूसरा तरीका, इधर देखो आजू बाजू क्या देखते बैठते हैं। फोर्थ, ये जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्या बताया, ये एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, पहले एसिड को कन्वर्ट करो ईस्टर्स में, किसमें कन्वर्ट करो? और ईस्टर से बनाओ अल्कोहल, ये ज्यादा इजी हो जाता है, इजी मतलब खर्चा कम लगता है। स्टेप तो बड़ा हो गया लेकिन दो दो स्टेप का रिएक्शन हो गया। समझ में आया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्यों नहीं यूज करते हैं? एक्सपेंसिव है, इसीलिए पहले तुम लोग एसिड को कन्वर्ट करेंगे किसमें? ईस्टर्स, ईथर नहीं, ईस्टर्स, बराबर। और एक बार ईस्टर्स में कन्वर्ट हो गया तो उसको हम लोग बाद में किसमें कन्वर्ट करेंगे? अल्कोहल। बताता हूं कैसे करते हैं, बोलो समझा मैं क्या करने वाला हूं, बराबर। तो पॉइंट समझ में आ गया ना क्या करने वाले यहां पे, चलो करते हैं फटाफट। एक बात बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, एसिड अल्कोहल, एसिड से ईस्टर्स बनने का क्या प्रोसेस रहेगा? एच निकालेंगे, उसको लगाएंगे फिर वहां पे, फिर ओके, फिर आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, आर डैश का क्या अटैच होना, मतलब अल्काइल लगाएंगे और हाइड्रोजन निकालेंगे, तो उसके लिए यूज करना पड़ता है अल्कोहल। पता है क्या बोला, अल्कोहल ही बना रहे, क्या बनाने वाले? अल्कोहल बनाने के लिए उसके स्टार्टिंग प्रोसेस में तुमको अल्कोहल से रिएक्शन करना पड़ेगा, बराबर। क्या अल्कोहल जो बनेगा वो अलग है, अल्कोहल जो प्रिपेयर कर रहे क्या वही अल्कोहल में स्टार्टिंग में यूज करेगा, तो कुछ अलग ही यूज करेगा ना, बराबर ना। जो पहले से प्रिपेयर्ड है वो यूज करेगा। एग्जांपल देखो, समझ में आ गया? बोलो फ्रॉम, बोलो क्या है फ्रॉम, किससे बना रहा हूं? वही कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, बराबर ना। लेकिन क्या अब मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करेगा? नहीं, अब कुछ अलग प्रोसेस ना, अब ये इनएक्सपेंसिव प्रोसेस, समझो ये खर्चा नहीं लगेगा इसमें ज्यादा। बोलो पहला स्टेप क्या यूज करूं, एसिडिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH किससे रिएक्ट करूं बताओ? अल्कोहल, सबसे छोटा अल्कोहल यूज करूंगा, सबसे सस्ता है CH3OH, मिथाइल अल्कोहल चलेगा। इधर रिडक्शन ऑक्सीडेशन एंड में समझ आएगा, अभी अभी बताया वो कंफ्यूज रहेंगे, इसके लोग जो ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज हो गए, ये मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? इससे बोलो क्या बनने वाला, बताओ क्या बनने का चांस है? ईस्टर्स, ईस्टर्स बनेगा, और यहाँ पे वो राइट है कि तुम्हारे यहाँ से कुछ तो निकलेगा, तब जाके ईस्टर बनेगा ना। और अभी तो कोई तो बताया क्या निकलेगा, बताओ यहाँ से? वाटर निकलेगा, वही एक चांस लग रहा है वाटर निकलने का, बराबर। और बनेगा ईस्टर, याद रखना ये जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये एसिडिक मीडियम में ही होता है। कौन से मीडियम में होने वाला है? एसिड। अच्छा तो बताओ कैसे वाटर निकलेगा, कहाँ से वाटर निकलेगा बताओ? यहाँ से एच निकाल दूं क्या? एसिड से मैं OH निकाल सकता था पूरा? क्यों बताओ, एसिड गिव्स ओनली, ये रीजन समझा? तो H और OH गया, क्या बना दिया बताओ? प्लस में H2O, क्या अल्काइल जाके वहां पे अटैच हो गया? समझा, बताया था ना तभी तो आता ना RCOR डैश, बोलो CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, क्या बन चुका है तुम्हारे पास ईस्टर्स? ईस्टर बन गया है, ईस्टर बना है, तुमको मैंने ईस्टर्स का नेमिंग भी सिखाया था, मिथाइल एसीटेट, ईस्टर्स का नेमिंग एसिड से करते हैं ना, या तो सोडियम लगा तो सोडियम एसीटेट, पोटेशियम लगा तो पोटेशियम एसीटेट, मिथाइल है, तुमको नेमिंग करना मैं बोल देता हूं, तुम लोग खुद से कर लेना, बराबर। याद रहेगा क्या ये एसिटिक एसिड, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल एसीटेट वाटर, इसे मालूम है तुम्हारे पास, ईस्टर्स मिल गया ना। अब ईस्टर्स का हम लोग वही करेंगे, रिडक्शन करेंगे, क्या करेंगे फिर से? क्या रिडक्शन में LiAlH4 यूज करूं? तो फिर इनएक्सपेंसिव पीस बात का हुआ, फिर वो मैंने क्या बोला, ये एक्सपेंसिव है ना, इसके लिए तो दूसरा तरीका यूज कर रहे हैं, रैने निकल सब सस्ता है, ये यूज करेंगे, समझा? तो हमारे पास क्या बताओ पहले से, ईस्टर्स है, मतलब क्या तुम्हारे पास CH3, आगे इधर ही कर सकता हूँ, इधर देखो यही कर देता हूँ, इसी का रिएक्शन करें किसके साथ? रैनी निकल, हीट करना पड़ता है। अच्छा इसका रिएक्शन करें तो कुछ तो देता है, क्या देगा? H2 देगा, H2 देगा ना ये, हाँ। अगर ये H2 देगा तो बताओ ब्रेकिंग कैसे होगा? जरा यहाँ पे देखो, जरा ध्यान से ब्रेकिंग कैसे होने वाला है, क्या डबल बॉन्ड अभी टूटेगा? डबल बॉन्ड टूटेगा, क्या सिर्फ डबल बॉन्ड टूटेगा? देखो इधर देखो, ये दिखाई दे रहा है, दो दो अल्कोहल मिलेगा तुमको यहाँ से, ये गया और इसका एक बॉन्ड से, समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ CH3O है और तुमने यहाँ पे तुम्हारे पास हाइड्रोजन है,
तुम्हारे पास क्या है? अच्छा एक बात बताओ, क्या एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से काम बनेगा तुम्हारे यहाँ पे? नहीं नहीं होगा, तुमको दो दो लगेंगे यहाँ पे, दो दो हाइड्रोजन। अरे वैसे तो बहुत सारा देता है ना H2S2, बहुत सारा मॉलिक्यूल लगेगा, मैं दो यूज कर रहा हूँ रिएक्शन करने के लिए। अब जरा देखो CH3O तुम्हारे पास पहले से है, अरे नहीं समझा रहा है क्या? किया नहीं मैंने, मैंने तो याद समझा तुमको, इधर तक समझा था क्या? अरे ये नहीं समझा, ये कैसे बना? तुम्हें तो आंसर दिया वाटर निकला जाके ये ईस्टर्स बना। अब ईस्टर्स में मैं रिडक्शन तो करना ही पड़ेगा, LiAlH4 नहीं यूज कर क्योंकि एक्सपेंसिव है, तो मैं उसके पे क्या यूज कर रहा हूं? रेडिकल हीट करेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देता है, दो क्यों यूज किया, दो यूज करेंगे तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा, एक से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो बता दो कैसे, देखो तुम्हारे पास CH3O है, CH3O को CH3OH बनने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? तुम्हारे पास है कितना? चार, दो तो मॉलिक्यूल है, चार में से एक ले लूं, बोलो क्या बना बताओ? CH3OH, तुम्हारे पास कितना हाइड्रोजन बचा है? तीन। क्या तीन में से मैं दो हाइड्रोजन डाले इस कार्बन को दूं? क्योंकि इसने अपना दो बॉन्ड तोड़ा था, दो इस कार्बन को देंगे, एक हाइड्रोजन कहां देंगे? क्या और एक अल्कोहल प्लस, बोलो ये CH3 है, ये क्या बोलो क्या बन जाएगा? CH2 और समझा, दो दो अलग अलग टाइप का अल्कोहल बनता है, समझा लॉजिक क्या? बोलो समझा? इसका प्लस पॉइंट भी और नेगेटिव पॉइंट भी है। अगर तुमको चाहिए रहेगा इथाइल अल्कोहल, तुमको साथ में मिथाइल अल्कोहल मिलेगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, इथाइल अल्कोहल तुमने स्टार्टिंग में यूज भी किया था, तुमको रिटर्न मिला, कुछ लॉजिक नहीं है। बोलो समझा? समझा ना? समझा चार रिएक्शन क्या है? बोलो तो बताओ, पहले मैंने एल्डिहाइड से क्या बनाया, कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी। कीटोन से? कार्बोक्सिलिक एसिड से? प्राइमरी बनेगा। क्या यूज किया उस टाइम पे? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, चार नेशन हाइड्रोजन एटम फॉरवर्ड बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस। अगर इनएक्सपेंसिव रिएक्शन चाहिए तो पहले क्या बनाओ? ईस्टर, उसका क्या करो? रिडक्शन करो रेडिकल यूज करके, बरा तुमको मिल जाएगा दो अलग अलग अल्कोहल, एक में एक तुमने पहले यूज किया था, तुमको रिटर्न का कैंसिल कैंसिल भी सोच सकते हो। बोलो समझा है? अब आते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन, पहले ही ग्रिग्नार्ड रीजन क्लियर कर दो। देखो अरे बात मत करो बीच में, लेक्चर के बीच में, अगर तुमको अल्कोहल चाहिए, अगर मैंने फॉर्मल डिहाइड यूज कर लिया ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ तो कौन से टाइप का अल्कोहल? प्राइमरी मिलेगा। अगर मैंने फॉर्मल डिहाइड छोड़ के कोई भी अल्कोहल यूज किया तो सेकेंडरी अल्कोहल। अगर मैंने समझो तीसरा कीटोन्स यूज कर लिया, कीटोन्स यूज कर लिया ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट किया तो प्राइमरी अल्कोहल सिर्फ किससे मिल सकता है? फॉर्मल डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल कोई भी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल डिहाइड, और टर्शियरी अल्कोहल कीटोन्स, कोई भी कीटोन्स यूज करो, चलेगा? करके दिखाऊं, तीनों लगातार करेंगे, देखो तुमको लॉजिक ऑलरेडी आता है पहले से। बोलो फिफ्थ रिएक्शन, फिफ्थ प्रिपरेशन किससे? फ्रॉम फॉर्मल डिहाइड। तुमको पहले से मालूम, अभी तुमको याद हो जाना चाहिए, तुमको समझ आ जाना चाहिए पूरा, अभी केमिस्ट्री 2 तो चल रहा है, लास्ट चैप्टर रिएक्शन कैसे बाद रिएक्शन नहीं आने वाला है। फॉर्मल डिहाइड ना, फॉर्मल डिहाइड बनाएंगे, क्या यूज कर रहे हैं? बोलो क्या यूज कर रहे हैं? RNGX बराबर है, कुछ याद है क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिर्फ किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करता है? राइटर, जो आज सॉल्वेंट यूज करना पड़ता है उस टाइम पे। चलो बोलो, बोलो अब तुम बताओ फॉर्मल डिहाइड का स्ट्रक्चर, H डबल बॉन्ड O H प्लस R CH3 MgI ले लो, I आयोडीन ज्यादा यूज किया जाता है। बोलो ड्राई, तुमको इसका स्पेशलिटी मालूम है क्या? CH3 कैसा रहता है और MgI ये स्पेशलिटी है, बहुत कम जगह पे तुम्हारा जो मिथाइल है वो नेगेटिव बनता है, बराबर ना? अल्काइल ग्रुप कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है? प्लस आई, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, याद है ना सब कुछ? याद होना चाहिए सब कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये बॉन्ड टूटा यहाँ से ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन नेगेटिव है, कौन जाएगा इसके पास? MgI नेगेटिव के बाद पॉजिटिव जाता है, और कार्बन जो पॉजिटिव था इसके पास कौन आएगा? याद देखो मैं क्या बना, देखो HC ये H था तुम्हारे पास पहले से, H था, C है यहाँ पे, H बराबर है, ये C के पास बोलो कौन आया? CH3 राइट बताया। आगे ये O के पास कौन आया? MgI। मैंने इस कॉम्प्लेक्स को नाम बताया था, बोलो क्या कॉम्प्लेक्स है? मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, याद होना चाहिए, जरूरत नहीं है लेकिन याद हुआ तो अच्छी बात है। क्या करना पड़ता है इसके आगे? एसिड हाइड्रोलाइसिस करना पड़ता है ना, फॉरवर्ड बाय यहां भी एसिड हाइड्रोलाइसिस, H प्लस HOH बराबर ना? क्या होगा बताओ? बॉन्ड कौन सा टूटेगा? बॉन्ड कौन सा टूटेगा? O और ये बॉन्ड टूट जाता है, और तुम मालूम है ग्रिग्नार्ड रिंग हमेशा MgOHI बनता ही है, बराबर ना? इधर ही बनेगा। तो बताओ क्या मिला, बताओ तुमको यहाँ पे आगे कर सकते हो?
क्या किया था उन्होंने एसिडिक मीडियम में HOH किया था ना? बोलो बोलो CH रहेगा CH2 देखो CH2 ना CH2 O था O के पास आएगा कौन इसमें से H आएगा बन गया ना प्राइमरी अल्कोहल बता था सिर्फ फ्रॉम फॉर्मल देखो तो बताओ क्या बनने वाला बताओ दूसरा MG I और OH ना ये बहुत बार आ चुका है पहली बार नहीं सिखा रहा हूँ तुमको मैं चीज ब्लैक वाला मार्कर देखो कहाँ रख दिया हाँ इधर देखो बोलो प्लस क्या बोलो MG I और OH ना बराबर है जो मॉलिक्यूल बना है उसका नाम बताओ जरा जो ऊपर बना है इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल बराबर ना समझ में आ रहा है ना इजी तो है नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ तुम लोग खुद से लिख देना नाम नेक्स्ट बोलो किसे बनाओ फॉर्मल डीआईड छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड बनाओ छोटा बताओ ज़्यादा बड़ा जगह नहीं लेगा पर एस्टर डीआईड फ्रॉम एसिटल डीहाइड क्या करना पड़ेगा क्या करूँ वही यूजिंग क्या मतलब RMGX ना X मतलब होता है हैलोजन कोई भी हैलोजन यूज करो तुम्हारी मर्जी चलो क्या बोलो क्या यूज करो एस्टर डीहाइड थोड़ा बताते भी रहो CH3C डबल बॉन्ड O H किस से रिएक्शन CH3MGI किसके प्रेजेंस में ड्राई इथर आगे बताओ क्या बने कौन सा बॉन्ड टूटता है तुमको सब कुछ मालूम पड़ गया अभी बताएंगे बता पहले ऊपर वाला बता ना बोलो CH3C ऊपर बताओ O आएगा फिर MGI आएगा आगे बताओ नीचे बताओ क्या आएगा नीचे नीचे CH3 आएगा आगे बताओ क्या है यहाँ पे H बराबर है क्या करना पड़ेगा बताओ H प्लस और HOH ना बोलो CH3 बीच का क्या है CH रुक जाओ आगे बताना CH3 एज इट इज है ये इधर का बॉन्ड टूटता है ना ऐसा O के पास कौन जाता है H जाएगा तो ऊपर बन जाएगा OH बन जाएगा और बताओ ये जो OH बचा है ये किसका जाता है हमेशा वही बनाता है क्या बनाता है बताओ प्लस में MGI और समझ में आ गया नाम बताओ क्या ये नाम थोड़ा दूर लिखो प्लस में MGI और OH नाम बताओ इसका प्रोपेंटुअल कॉमन नेम बताओ सेक प्रोपाइल अल्कोहल चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं समझा ना चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं आता बराबर आइसो रहेगा तो इधर सेकंड पे CH3 आ जा रहा है चलता है वो भी चल जाएगा सेकंड पे CH3 ना चल जाएगा ना चलता कोई प्रॉब्लम नहीं तो चलेगा आइसो प्रोपाइल अल्कोहल या तो सेक प्रोपाइल अल्कोहल समझो लॉजिक बोलो क्या है अल्डिहाइड ना अब बोलो तीसरा किससे बनाओ कीटोन तुमको मालूम है कीटो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बहुत बार बताया था ना मैंने तुमको एक ही बताया तुमको यही एक रिएक्शन ज्यादा करके हमारे सिलेबस में आएगा जिससे हम लोग क्या बना सकते हैं टर्शियरी अल्कोहल बहुत बार एग्जाम में आ चुका बहुत ज्यादा बार आ चुका याद रखो तो अगर मेरे को सेवेंथ पॉइंट में क्या बनाना बताओ फ्रॉम कीटोन्स ना कीटोन से बोलो हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं टर्शियरी अल्कोहल क्या यूज करेंगे वो यूज करूँ यूजिंग ग्रिग्नार्डिन RMGX ना करेंगे बताएंगे ना आगे और बहुत सारा इसके लिए मैंने जगह छोड़ के रखा है बोलो बताओ CH3C डबल बॉन्ड ओ CH3 नाम बता दो एसीटोन CH3MGI किसके प्रेजेंस में ड्राई ईथर देखो ये सब इस चैप्टर का रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं है सब पहले सिखा चुका हूँ मैं आगे मालूम है क्या होता है मालूम है बोलो CH3 और नीचे भी CH3 ऊपर बताओ ओ MGI फॉलोड बाय क्या आएगा बताओ H और OH ना बराबर है मालूम है अब सब कुछ मालूम पड़ गया बोलो CH3 ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ CH3 क्या टर्ड ब्यूटाइल बन गया टर्ड ब्यूटाइल में O के पास बोलो कौन आएगा H टर्ड ब्यूटाइल ये पहली बार नहीं करा चुका हूँ आगे प्लस प्लस MGIOH समझा बोलो समझा ना कैसा है तो ये पूरा का पूरा सात रिएक्शन तुमको समझा है याद हो जाना चाहिए पहले हम लोगों ने किससे बनाया अल्डिहाइड्स का रिडक्शन किया तो प्राइमरी अल्कोहल कीटोन्स का रिडक्शन किया तो सेकेंडरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किया तो भी प्राइमरी अल्कोहल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं या फिर पहले ईस्टर बनाओ फिर ईस्टर को कन्वर्ट करो किसमें अल्कोहल चाहिए अल्कोहल में करेंगे जो भी अल्कोहल यूज करते तुमको रिटर्न मिल जाता है मिल जाता ना ये तो था मिथाइल अल्कोहल मिल जाता है बड़ा सिंपल है चब अभी नेक्स्ट आता है भी 11 स्टैंडर्ड का रिएक्शन कर लेते हैं टोटल 8 ही रिएक्शन है इसमें 8 प्रिपरेशन है चलो तो जो 8th वाला है वो है डाइबोरेन
याद करो 15th चैप्टर तुम्हारा 11th स्टैंडर्ड का, डायबोरेन से एक रिएक्शन किया था, BH3 को BH3 ट्वाइस को बोलते हैं डायबोरेन, BH3 ट्वाइस किया हुआ है 11th में, 15th चैप्टर में था, 15th वाले चैप्टर में, 8th रिएक्शन, 8th प्रिपरेशन बराबर, फ्रॉम डायबोरेन ना, फ्रॉम डायबोरेन, हाँ उसमें फ्रॉम डायबोरेन, डायबोरेन मतलब होता है BH3 ट्वाइस, बड़ा BH3 ट्वाइस मतलब डायबोरेन, इससे करेंगे रिएक्शन, हार्ड रिएक्शन ये भी नहीं है, बहुत इजी है, कर लेते चलो फटाफट। याद करो डायबोरेन के टाइम पे हम लोग यूज करते थे टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, THF एरो पे लिखा था 11th में, जब भी डायबोरेन यूज करेंगे तुमको एरो पे क्या लिखना पड़ेगा, THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, बड़ा वो एज अ सॉल्वेंट लगता है वहां पे, फुरान, FURAN, फुरान, 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 FURAN, फुरान, फुरान एरोमेटिक कंपाउंड में आता है, बड़ा आई थिंक वो थोड़ा बेंजीन जैसे, बेंजीन रिंग जैसा ही रहता है, नीचे एक ऑक्सीजन रहता है उसको बोलते हैं फुरान, ठीक है चलो अभी वो अपना काम नहीं है। डायबोरेन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ध्यान दे रहा इधर वारिस, डायबोरेन यूज करेंगे और ट्राई अल्काइल बोरेन बनाएंगे हम लोग वहां पे, क्या बनाएंगे, हाँ, और वो एक बार ट्राई अल्काइल तुम्हारा बोरेन बन गया उसके बाद हम लोग उसका रिएक्शन करेंगे, मतलब उसको हम लोग पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, पहले सुन लो फिर रिएक्शन कराता हूँ, सुन लेंगे तो याद तो रहेगा एटलीस्ट, फिर करने में बहुत इजी हो जाएगा, ध्यान सुनो किसके साथ क्या, अच्छा बताओ पहले बना क्या रहे तुम लोग, क्या बनाने जा रहे हैं, अल्कोहल बनाएंगे, अल्कोहल बनाने के टाइम पे इस केस में डायबोरेन यूज कर रहा हूँ, फ्रॉम डायबोरेन और यहाँ पे एक्चुअल में अल्कीन से रिएक्शन कर रहे हैं, अल्कीन, अल्कीन मालूम है, डबल बॉन्ड आएगा, अल्कीन को प्लस अल्कीन का रिएक्शन करेंगे डायबोरेन के साथ, डायबोरेन के टाइम पे एरो पे क्या लिखना पड़ता है, THF, THF का फुल फॉर्म टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, याद को पूरा पूरा याद कर, बराबर समझा, पहले बताओ क्या था फर्स्ट, क्या अल्कीन, अल्कीन प्लस BH3 ट्वाइस जिसको डायबोरेन बोलते हैं, एरो पे टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, तुमको कौन सा अल्काइल बोरेन, बोरेन मिलेगा बताओ, ट्राई अल्काइल बोरेन मिलेगा, क्या मिलेगा, ट्राई, तीन अल्काइल ग्रुप अटैच है क्योंकि तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, तीन अल्काइल ग्रुप बताऊंगा तब, अभी के लिए जस्ट नाम याद रखो, बराबर क्या मिलेगा बताओ तुमको, ट्राई अल्काइल बोरेन, एक बार तुमको ट्राई अल्काइल बोरेन मिल गया उसको हम लोग रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ, किससे, और बेसिक मीडियम मतलब NaOH यूज करेंगे, एक बार फिर से ध्यान सुन लो, स्टार्टिंग में क्या यूज किया, अल्कीन, अल्कीन का रिएक्शन डायबोरेन, प्रेजेंस में किसके, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान THF, बनता क्या है ट्राई अल्काइल बोरेन, उसका के उसका रिएक्शन किस साथ, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन द कौन सा मीडियम, बेसिक मीडियम NaOH, और तुमको मिल जाएगा अल्कोहल, स्टार्ट करूं, थोड़ा बहुत तो याद ही हो गया, बाकी करके मालूम पड़ेगा ना, अभी तो सिखाया कि अभी तो चालू नहीं किया, बोलो समझा है, स्टार्ट करो, ओके बताओ कौन सा अल्कीन, क्या इथेन यूज कर लो, CH2 डबल बॉन्ड्स, ये लास्ट प्रिपरेशन, अल्कोहल का प्रिपरेशन खत्म होता है यहाँ पे, सिर्फ फिनॉल का आएगा, तीन ही फ्यूरान का, तीन ही प्रिपरेशन फिनॉल का भी है खत्म, बरा उतना ही रहेगा, नाम बताओ, इथीन या फिर इथिलीन, एसिटिलीन चलेगा, एसिटिलीन, एसिटिलीन अल्काइन को बोलते हैं, बरा एसिटिलीन मतलब होता है अल्काइन, बराबर है, ये इथीन या फिर इथिलीन है, इथिलीन ठीक है, किसके साथ रिएक्शन, BH3 नहीं, BH3 डायबोरेन बोलते हैं इसको, डायबोरेन बराबर, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस बताओ, वो एज अ क्या एक्ट करता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, नहीं सॉल्वेंट, जैसे यहाँ पे था ना ड्राइथर, ड्राइथर एज अ सॉल्वेंट था, ज्यादा जो ज्यादा रहेगा उसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, THF कैसे, अच्छा शायद तुमको बताया नहीं मैंने वो टाइम पे, THF एज अ क्या है बताओ, सॉल्वेंट है, एज अ सॉल्वेंट है बराबर, ठीक है, तो एक बात पहले क्लियर कर लो, बोरॉन तीन बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड बनाता है, तीन बॉन्ड बनाता है, बोरॉन के साथ तीन बॉन्ड किसने बनाया, और ऐसा कितना मॉलिक्यूल है हमारे पास, दो मॉलिक्यूल है, बराबर है, बराबर है, हाँ, अब क्या होने वाला है जरा ध्यान से देखना, इसमें से ना ये बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये टूट जाता है, टूट जाएगा, तो एक CH2 इधर पीछे बॉन्ड बना सकता है, ये वाला CH2 आगे बॉन्ड, पॉलीमर याद है, वहां पे ऐसा आ चुका है, ओके, तो अब देखो क्या होने वाला है, मैंने क्या बोला, जैसा ही अल्कीन तुम्हारे डायबोरेन से रिएक्ट करेगा वो बनाएगा क्या, ट्राई अल्काइल बोरेन, बताया था ना ट्राई अल्काइल, ये बता दिया था ना तुमको पढ़ाते पढ़ाते, ट्राई अल्काइल मतलब ट्राई अल्काइल, तो ट्राई हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा फिर तो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, अरे जब ये हाइड्रोजन निकलेगा तभी तो तीन अल्काइल आएगा वहां पे, कितना हाइड्रोजन निकल रहा है, तीन, मैं बोलता हूँ कि यहां से हाइड्रोजन ट्रैवल करेगा दोनों में से किसी एक कार्बन के पास, मैं इधर लेके जाऊं स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग लेके जाऊं, हमको यहां पे CH2 को CH3 बनाने के लिए कितने मॉलिक्यूल की जरूरत है,
सॉरी सी एच टू को सी एच थ्री बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? एक है। और मेरे पास मिल कितना रहा है? ध्यान से देख लो, छः मिल रहा है। कितना मिल रहा है? थोड़ा ट्रिक समझ आ रहा है क्या हो रहा है? छः हाइड्रोजन मिलेगा यहाँ पे, तो मैं कितना इथिलीन का मॉलिक्यूल यूज करूँ? सिक्स ना। फिर से ध्यान से समझा, शायद तुमने समझा नहीं। मैंने क्या बोला था, यहाँ से हाइड्रोजन ट्रैवल करेगा इस कार्बन के पास। मुझे सी एच टू से सी एच थ्री बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? एक। निकल कितना रहा यहाँ से? छः। तो छः मॉलिक्यूल यूज करेंगे ना, छः सी एच टू छः सी एच थ्री बन जाएगा ना, कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है? बोलो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं तो बताओ इस ये मॉलिक्यूल क्या बन चुका है? बताओ अभी ये नेक्स्ट आगे लिखो तो सी एच थ्री सी एच टू ना, और सी एच टू का एक बॉन्ड खाली है। अब जरा ध्यान से देखो, तुम्हारे पास कितना बोरॉन है? दो बोरॉन, राइट है? चलो ये तो राइट बताया, दो बोरॉन है तुम्हारे पास। तुमको एक बोरॉन के बारे में ही लिखना है, वो टू से मल्टीप्लाई किया, दो बोरॉन हो चुका। बोरॉन बॉन्ड कितना बनाता है बताओ जरा? तीन बार बनाएगा क्या तुम्हारे पास? अब कितना इधर जरा देख के बताओ, कितना अल्काइल मिलेगा बताओ तुमको? इधर देखो जरा ध्यान से, कितना अल्काइल है? इधर छह अल्काइल ग्रुप है, छह अल्काइल ग्रुप ना। सी एच थ्री, अरे एच आ चुका है समझो, सी एच थ्री सी एच टू बन चुका है ना। सी एच थ्री सी एच टू मतलब क्या? इथाइल, इथाइल ना। कितना इथाइल? छः। पीछे टू लिख दिया, लिखो कितना? अभी तीन, तीन ही तो बॉन्ड भी है। समझ आ रहा है? बोलो क्या क्या लिखो? सी एच टू लिखो क्या सी एच थ्री लिखो? सी एच टू बॉन्ड बनाता है ना ये, तो पीछे समझ आया, मॉलिक्यूल घूम चुका है ऐसा यहाँ पे अभी। सी एच टू और सी एच थ्री और समझ में आया? क्लियर आ रहा है क्या समझ में? इसको बोलते हैं ट्राई अल्काइल बोरेन। बराबर, पूरा नाम बताओ जरा क्या रहेगा? बताओ ट्राई अल्काइल कौन सा है? वो ट्राई इथाइल बोरेन। समझ में आ रहा है? इजी है, हार्ड वर्ड नहीं बोल सकते हैं इस पे, इजी है। अच्छा इसका बताओ मैंने क्या बोला था, इसको किससे रिएक्शन कराएंगे? हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा मीडियम? बेसिक या फिर अल्कलाइन। और कौन देगा वो अल्कलाइन मीडियम? NaOH देगा। बरा चलो, तो इसको मैं रिएक्ट करा देता हूँ हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ H2O2 हुआ ना, तुम्हारी मर्जी प्लस में तो प्लस में लिखो, चलता है। किसके प्रेजेंस में? NaOH। बरा तुमको बेसिक मीडियम चाहिए। ओके, तुमको चाहिए क्या जरा बताओ, तुम लोग बना क्या रहे हो यहाँ पे? अल्कोहल बना रहे। अच्छा CH3CH2 के अगर सामने OH आ जाए तो बन गया अल्कोहल, CH3CH2OH। ऐसा कितना CH3CH2 तुम्हारे पास है? ध्यान से देखो, छः। कितना चाहिए बताओ? रुको ध्यान से, तुमको एक मॉलिक्यूल में कितना OH चाहिए? एक। इधर टोटल छः OH चाहिए। एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कितना OH देता है? तो कितना यूज करो? समझ में आया ये चीज? इजी, हार्डवर्ड नहीं है सब चीज़। चलो तीन का तीन OH आ गया, बोलो क्या बना दिया बताओ? ये छोड़ो, पहले ये बताओ छः बार बोरॉन बता दो ना, पहले तो देख लो। छः ना, छः अल्काइल ना, छः में CH3CH2OH। चलो बताओ इतना समझा क्या पहले? इतना समझा है? बोलो क्या बचा बताओ तुम्हारे पास? बोरॉन बच गया है, कितना बोरॉन बचा है? दो बोरॉन बचा। बराबर, एक बोरॉन कितना बोरॉन बनाता है? तीन। बोरॉन प्लस होता है, बॉन्ड बनाएगा माइनस के साथ। NaOH में से किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? अच्छा एक अभी राइट आंसर जरा दे देना, देखते हैं तुमको समझ में आया क्या। एक बोरॉन को कितना हाइड्रोक्साइड चाहिए? तीन। कितना बोरॉन है? दो बोरॉन है, छः चाहिए। तो तुम लोग चाहिए तो यहाँ पे सिक्स लिखो, नहीं लिखा क्योंकि NaOH के प्रेजेंस में एक NaOH थोड़ी मॉलिक्यूल बहुत सारा रहेगा, लिखा नहीं जाता है, समझ लो। तुमको समझाने के लिए बता दिया, छः NaOH रहेगा। Na का हमारा काम नहीं, हमारा काम सिर्फ OH के साथ है। OH गया किसके पास? B के पास। चलो कोई बताओ जरा क्या बनेगा, ये बताओ। टू टू बी ओ एच ट्वाइस थ्राइस, छः चेक कर लो, छः OH आया। क्या दो बोरॉन है? खत्म ना। समझा समझा क्या? बोलो। बरा इस प्रोसेस का एक शायद नाम भी है, ये ना एंटी मार्कोनिक ऑफ हाइड्रोबोरेशन बोल सकते हैं इसको। इसमें एंटी मार्कोनिक ऑफ हाइड्रोबोरेशन हुआ है। क्या हाँ प्लस ही होता है ना, किसके साथ? ये स्ट्रक्चर, ये जरूरी क्यों सोच रहे हैं हमेशा प्लस के सामने माइनस आता है? कार्बन प्लस के सामने कार्बन प्लस नहीं आता है, कार्बन कार्बन नहीं होता है, हाइड्रोकार्बन में ऐसा नहीं होता है, कार्बन कार्बन नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है क्या? तो उस टाइम पे ये कार्बन तो मोस्टली पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाता है,
तो इधर नहीं रिपल्शन, ऐसा जरूरी नहीं ना कि हमेशा बरा, ऐसा जरूरी थोड़ी है हमेशा कि तुम लोग पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने नेगेटिव ही आना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है, जरूरी थोड़ी है। वो तो सॉल्ट वगैरह के टाइम पे ऐसा हो सकता है ना, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव आया ऐसा। तो इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ हाइड्रोबोरेशन लगा, ये टेक्निक को ये भी बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ हाइड्रोबोरेशन, याद रहेगा एंटी मार्कोनिकॉफ हाइड्रोबोरेशन। चलो ये तो हमारा किसका प्रिपरेशन हो गया बताओ, अल्कोहल याद है कुछ, इतना कुछ हार्ड नहीं, दो ही तो एक्स्ट्रा है तुम्हारे लिए, दो ही तो एक्स्ट्रा है ना, दो क्या एक ही तो एक्स्ट्रा है मेरे को लगता है। और कुछ है क्या, कितना यहाँ पे देखो चेक करो, टोटल आठ हुआ है क्या हमारा, आठ प्रिपरेशन आठ हो गया ना, ठीक है चलो देखते एक बार रिवाइज करते तुमको पूरा का पूरा याद है कि नहीं। बोलो पहले बताओ फर्स्ट किसे बनाया, एल्डिहाइड, सेकंड कीटोन, थर्ड फोर्थ फॉर्मल्डिहाइड यूज किया ग्रिग्नार्डिएजन के साथ ना, फिफ्थ एसिटाल्डिहाइड ग्रिग्नार्डिएजन के साथ, सिक्स कीटोन ग्रिग्नार्डिएजन के साथ, सिक्स हो गया ना, सेवेंथ के साथ किया ये नहीं, हाँ एक कार्बोक्सिलिक एसिड उसका एक सिंपल प्रिपरेशन था ना, एक एक्सपेंसिव का वाला दूसरा वाला बराबर, फिर ये एट तुमको याद है ना बराबर से, एक डायबोरेन है बराबर, चलो ठीक है। अब फिनॉल करते हैं, फिनॉल में तीन ही प्रिपरेशन है, एरोमेटिक है थोड़ा तुमको याद रखना पड़ता है वाला मालूम ना। चलो इसके लिए मैं शॉर्टकट बना के रखता है तुम्हारे लिए, देखो जैसे तुमको याद है कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने पढ़ाया था, अगर सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड दिखा तुमको एरोमेटिक एसिड, तो उसका हाइड्रोलिसिस करे तो क्या बनता है, भूल गए मैंने क्या बोला, ये सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अगर तुम्हारे पास पहले से एसिड है, सोडियम बेंजोइट है, एसिड हाइड्रोलिसिस किया क्या मिलता है, बेंजोइक एसिड, ये बताया भी था मैंने तुमको, जब भी तुम्हारे पास सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ रहेगा एसिड बरा, उसका क्या करो तुम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस करो, क्या मिल जाएगा तुमको, एसिड डायरेक्ट मिल जाता है बरा, एरोमेटिक एसिड मिल जाएगा। सेम यहाँ पे भी है बरा, सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट तुम्हारे पास रहेगा अल्कोक्साइड का, किसका, शॉर्टकट सुनो तो बहुत इजी हो जाता है सब रिएक्शन ना, सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट अल्कोक्साइड का है, अल्कोक्साइड में आता है मिथॉक्साइड, अभी तो क्या ना मिथॉक्सी ये दिख रहा है इसका, इसका अगर इसके साथ Na आ गया CH3ONa समझा, तो उसको बोलते हैं सोडियम अल्कोक्साइड या फिर सोडियम मिथॉक्साइड भैया। तो उस टाइम पे तुमको क्या करना पड़ेगा, उस टाइम पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, वही हमारा कॉमन वाला जो ऑप्शन बताओ पहले क्या बताया तुमको, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो तुमको अल्कोहल मिल जाए, अल्कोहल बना रहे ना, उधर एसिड बना रहे तो एसिड याद रखो, इधर क्या बना रहे अल्कोहल, सिंपल लॉजिक है। सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम या फिर पोटेशियम अल्कोक्साइड है तो डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, क्या मिल जाएगा तुमको, अल्कोहल, जो तुमको चाहिए वो मिलेगा समझा। एक दूसरा ऑप्शन भी तुम्हारे पास है, तुम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस के जगह पे डाइल्यूट HCl से रिएक्शन के तो भी हो जाएगा, एक बार फिर से जरा कंफर्म कर लो क्योंकि तीन ही प्रिपरेशन है लेकिन तीनों दो दो स्टेप का है तो छह प्रिपरेशन हो गया समझ लो, समझा मैंने क्या बताया। तुम्हारे पास अगर सोडियम या फिर पोटेशियम अल्कोक्साइड है तो दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बताओ एसिड हाइड्रोलिसिस करो क्या मिलेगा, अल्कोहल बरा, दूसरा ऑप्शन डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करो तो भी क्या मिलेगा, फिर करके दिखाता हूँ समझेगा ना, तभी अभी के लिए याद रखो ना ये सब चीज बरा, करो बोलो हाँ। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्लोरोबेंजीन से, किससे बनाएंगे, इसको बोलते हैं डो प्रोसेस, क्या बोलेंगे, ये नाम वाला रिएक्शन है, क्वेश्चन नंबर 11 प्रिपरेशन ऑफ, बोलो क्या, बोलो प्रिपरेशन किसका बनाने जा रहा है, फिनॉल्स, तीन ही ना बताया तुमको, तीन ही प्रिपरेशन ही हमारे पास फिनॉल्स का बरा। ओके सबसे पहला प्रोसेस का नाम डो प्रोसेस, इसमें हम लोग क्लोरोबेंजीन यूज करते हैं, फ्रॉम क्या, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, स्टार्ट करो रिएक्शन बोलो हाँ। इसमें ना हम लोग सबसे थोड़ा बहुत तो तुमको बताता हूँ यहाँ पे कैसा कैसा है, लेकिन एक बार अगर मैंने तुमको सोडियम या फिर पोटेशियम अल्कोक्साइड या फिर एरोमेटिक दे दिया, समझो यहाँ पे फिनाइल ऑक्साइड ऐसा दे दिया, फिनाइल वगैरह दे दिया, तो फिर तुम डायरेक्ट एसिड हाइड्रोलाइज करेंगे और क्या करेंगे, या तो डायल्यूट HCl से रिएक्शन, डायरेक्ट तुमको आंसर मिल जाएगा अल्कोहल। चलो करते हैं फटाफट, देखो तो सबसे पहले मैं यूज करूँ क्या, क्लोरोबेंजीन ना, अरे इजी रहता है, हार्ड नहीं है, क्लोरोबेंजीन यूज किए यहाँ पे Cl ना, इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं NaOH के साथ, किससे रिएक्शन करेंगे, NaOH बराबर, NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, याद रखो कंडीशन भी 623 केल्विन और 150 atm का प्रेशर, याद रहेगा 623 केल्विन का टेम्परेचर और 150 atm का प्रेशर NaOH के टाइम पे यूज करना पड़ेगा बराबर, होगा क्या जरा बताओ, यहाँ से कौन नहीं, Cl किसके साथ जा सकता है, अरे एच नहीं हो सकता है, Na क्यों नहीं, सर Na क्यों नहीं है, अरे मैंने क्या बताया, सोडियम या फिर पोटेशियम का एक बार अल्कोक्साइड तुमको मिल गया फिर तो इजी हो जाएगा ना हमारा रिएक्शन, समझ में आ रहा है। तो ये जो Cl है तुम्हारा, बोलो उसको किसके साथ तुम लोग लेके जाएंगे, H के साथ लेके जाओ, क्या बनाओ, अरे OH के कहां साथ, कहां लेके जा रहे, H के साथ लेके जा रहे ना मैं,
अरे जरूरी थोड़ी हमेशा वैसे बेकिंग हो, तुम लोग क्या हमेशा सोचते क्या एन ए प्लस ओ एच माइनस, जरूरी थोड़ी ऐसे होता है, फिट करके रख दिया ऐसे थोड़ी होता है। ओ एन ए अटैच नहीं किया कभी हम लोग ने, ओ माइनस एन ए प्लस वैसे जाके अटैच होएगा यहाँ पे। फिर कैसा ऐसा मैथमेटिक्स थोड़ी कर रहे हैं हम लोग, बताया प्रैक्टिकली पहले देखना पड़ा, बनता ही नहीं है प्रैक्टिस तो मैं कैसे यहाँ पे लेके जाकर बना दूँ, वहाँ पे ऐसा बनता ही नहीं है ना वैसा, नहीं तो फिर मैं वैसे ही बनाता, मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता फिर तो। एच जाएगा सी एल के साथ, समझो माइनस एच सी एल, एच जाएगा। याद रखो अगर तुमको ये प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स याद रखना है तो पहले सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ तुमको अल्कोऑक्साइड मिलेगा, उसके बाद ही बनाना जो भी है, समझा ऐसा याद रखो। तो सोडियम यहाँ पे सोडियम सॉल्ट मिल रहा है ना, सोडियम अल्कोऑक्साइड मिल रहा है हमको या फिर ये बेंजीन वाला ऑक्साइड। बोलो Cl गया किस साथ, H के साथ HCl बना दिया, और तुम्हारे पास ऊपर Cl खाली है ना, Cl गया O Na बनेगा, O माइनस प्लस या फिर डायरेक्ट O Na लिखो तो भी चलता है, बराबर बन गया ये देखो। इसके आगे तुमको आता है यही रहेगा, मैं सिर्फ इतना बताया आगे तुम लोग बताएंगे। बोलो क्या HCl सॉरी H प्लस HOH बराबर ना, ऐसा हो सकता है। बोलो क्या H जाएगा एन ए जाएगा OH के साथ, बोलो जो जो यूज किया था पहले बराबर ना NaOH, तो O के ऊपर कौन जाएगा, O के साथ H और प्लस में तुम्हारे पास समझा फिनॉल बन चुका है, इजी ना। हाँ नेक्स्ट ये दो प्रोसेस ज्यादा इजी है, याद रखो हर बार फिनॉल्स के प्रिपरेशन में सोडियम ये सब बनाओ, सोडियम को ऑक्साइड बनाओ, डायरेक्ट मत कर देना वहां से बराबर। नेक्स्ट सेकेंड सेकेंड एक बार हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन नाम याद है ना सबको, बोलो नाम क्लोरो बेंजीन, उसके बाद हम लोगों ने क्लोरो बेंजीन का रिएक्शन किस साथ किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एक इंटरमीडिएट मिला तुमको बराबर, सोडियम सोडियम बेंजोएट बराबर ना, सोडियम बेंजोएट बराबर। फिर आगे फिनॉल्स बराबर। नेक्स्ट अभी हम लोग करते हैं क्यूमीन, क्यूमीन याद है, क्यूमीन आया था बेंजीन के ऊपर एक कार्बन जिसके ऊपर दो दो सी एच थ्री और कार्बन का हाइड्रोजन तुमको बैलेंस करना पड़ता है, एच डालना पड़ता है तुम्हारे हिसाब से फ्रॉम, हाँ इसको ना इंडस्ट्रियल प्रोसेस बोलते हैं हाँ इंडस्ट्रियल मेथड बोलते हैं राइट है। फ्रॉम क्या बताया क्यूमीन ना, फ्रॉम क्यूमीन कौन सा मेथड याद रखना, ऐसा सकता है गिव रिएक्शन ऑफ गिव प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बाय यूजिंग इंडस्ट्रियल मेथड, तो तुमको याद रखना पड़ेगा इंडस्ट्रियल मेथड क्यूमीन बराबर, इंडस्ट्रियल मेथड याद रखो दो स्टेप का ही रिएक्शन है, पहले ये बनेगा उसके बाद ही जो कुछ भी आगे होने वाला है। क्यूमीन के साथ हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कोबाल्ट नैप्थेट, नैप्थेट याद है कल मैंने तुमको नैप्थेलिन बना के दिखाया था जिसपे ओएच लगाया था, नैप्थॉल बना दिया था नैप्थेलिन वैसा, कोबाल्ट नैप्थेट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे और इसमें ना हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिखाएंगे, किसके साथ पहले क्या यूज किया NaOH, पहले इसमें NaOH है दूसरा रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। चलो बोलो क्यूमीन बताओ जरा मेरे को, क्यूमीन बेंजीन आता है, बेंजीन आएगा ना इसमें, अब बेंजीन पे तुमको एक ऐसा कार्बन अटैच करना पड़ेगा तुमको जिसपे कितना सी एस सी लगाना पड़ेगा दो, और एच को मैनेज कर लो खुद से इतना तो आता ही रहेगा बराबर, किसके साथ रिएक्शन ऑक्सीजन ओ टू बराबर, क्या बोला कोबाल्ट नैप्थेट बराबर है, थोड़ा बता ना थोड़ा फिनॉल कट थोड़ा डिफिकल्ट है बराबर, तो याद रखने का और क्या लॉजिक है और कुछ नहीं, सी ओ एन ए नैप्थेट ना, और टेम्परेचर भी यहाँ पे टेम्परेचर याद होगा 423 सब ऐसा टेम्परेचर याद भी रहता है तुमको 423 केल्विन बराबर, ऐसा डायरेक्ट याद रखो ऑक्सीजन हमेशा बीच में आता है, ऐसा किधर आ जाएगा बीच में आ जाएगा, ऑक्सीजन आएगा पहले भी आ चुका है, ओजोन याद है ओजोन लिस्ट किया तो ओजोन वाला डायरेक्ट ऐसा बनाता है ना ओजोनाइड्स बनाता है डायरेक्ट बीच में आ जाता है, सेम वैसे ये भी बीच में आएगा। और बताओ जब ये ओजोन सॉरी ओ टू ये दिख रहा है ये बॉन्ड के बीच में आ जाएगा, बोलो क्या बनेगा, ये बेंजीन तो एज इट इज है, इस पे तुम्हारे पास ये सी एच भी एज इट इज है ऊपर सी एच थ्री भी है, बताओ ये बॉन्ड के बीच में बताओ कौन कौन आ गया, ओ टू ओ टू कैसे एक ओ दूसरा ओ और फिर हमारे पास बताओ क्या बचेगा सी एस थ्री बच गया ना, ये सी एस थ्री बच गया बता राइट है। अब अगर मैं इसका डायलूट एच सी एल से रिएक्ट करूँ किससे रिएक्शन करें बताओ, डायलूट एच सी एल अगर मैंने इसको डायलूट एच सी एल से रिएक्ट किया, देखो या थोड़ा सोचो डायलूट एच सी एल में कैसे टूटेगा, डायलूट एच सी एल और थोड़ा हीट है सोचो इतना भी हार्ड नहीं बताओ, डायलूट एच सी एल और हीट किए तुमको क्या बनाना क्या पहले बताओ मेरे को, अल्कोहल बनाने का, अल्कोहल में भी कौन सा अल्कोहल एक्चुअल में फिनॉल्स बनाने का, तो बताओ कैसे बनेगा यहाँ से फिनॉल जरा सोचो फिनॉल कैसे बनेगा, फिनॉल चाहिए तुमको सिर्फ फिनॉल चाहिए देखो ना, अरे यहाँ इतने से बता ही सकते इतना कुछ हार्डवर्ड नहीं है, बोलो तुमको चाहिए बेंजीन तुमको चाहिए ओ तुमको चाहिए एच बस, और बाकी देखो क्या बनेगा उससे, जो चाहिए पहले वो तो बताओ तुमको क्या चाहिए, तुमको फिनॉल चाहिए ईथर बनेगा, देखते चलो ईथर है क्या, देखते बेंजीन है ऊपर क्या अटैच करूँ ओ है क्योंकि तुमको तो फिनॉल चाहिए समझो, ये वाला हो गया
और इधर का बराबर है। अब जरा देखो क्या है, ईथर बन रहा है कि कीटोन्स बन रहा है, कीटोन्स बन रहा है। देखो अच्छे से, सी एस थ्री है फिर सी, तुम्हारे पास एक ही तो ऑक्सीजन ही है ना, ये तो गया ऑक्सीजन, बराबर है। और बचा क्या, एसीटोन ना, समझा, एसीटोन। ये सब थोड़ा बहुत याद होगा, फिनॉल ये तो तुमको आता है। एक लास्ट प्रिपरेशन खत्म, फिनॉल्स। थर्ड हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड से करेंगे। बेंजीन सल्फोनिक याद है, एरोमेटिक में पढ़ाया तुमको। अगर बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप दिखा तो बेंजीन सल्फोनिक मालूम है ना इसको, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी वही काम करेंगे जैसा पहले किया। NaOH याद है, एक बार ये बनेगा फिर इसके बाद तुमको आता ही है ना। चलो तो यहाँ पे हम लोग बताओ फ्रॉम किससे करो, बताओ फ्रॉम बेंजीन सल्फोनेट या फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड सल्फोनेट सेट ई बेंजीन एसिड, बताओ स्ट्रक्चर, बोलो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन के ऊपर क्या, SO3H रिएक्शन NaOH के साथ, जैसे पहले किया तुमने रिएक्शन NaOH के साथ करेंगे, बताओ क्या बनने का चांसेस है। पहले तुमको सॉल्ट चाहिए, पहले तुमको ऊपर क्या बनाना पड़ेगा, सॉल्ट। जरा बताओ सॉल्ट कैसे बनेगा, ऊपर तुमको एक प्लस चाहिए ना, ऊपर एक प्लस चाहिए मतलब एक Na चाहिए और एक ऊपर सॉल्ट, मतलब ऐसा कुछ ना, ऐसा चाहिए बरा। इसमें से कौन प्लस है कौन माइनस है, पहले ये क्लियर कर दो मेरे को। SO3 H प्लस हटेगा, Na प्लस, अरे प्लस तुमको लेके आना पड़ेगा उसके जगह पे। बोलो क्या आएगा बताओ, फिर बेंजीन रहेगा और SO3 Na, ये भी तो सॉल्ट है, चलता कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो Na प्लस, ये माइनस, देखो सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड था ना, अरे एसिड से सॉल्ट बना है ना, तो 8 यूज करना ही पड़ेगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ये क्योंकि ये क्या था बताओ, ये बेंजीन, तुमको मालूम है सब, बेंजीन सल्फोनिक एसिड ना, सल्फोनिक एसिड तुमको मालूम है क्या हटता है और क्या आता है ना, अरे ना सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, क्या करूं, या तो डायलूट HCl से भी रिएक्शन कर सकते हैं, दोनों पता है ना, या तो एसिड हाइड्रोलाइज करो या तो क्या करो। चलो अगर मैंने इसको डायलूट HCl से रिएक्शन किया, तुमको यहाँ पे ये बताने, अगर हाँ इसके पे अगर मैं ये यूज करूँ H प्लस HOS तो बताओ कैसे होएगा, फिर तुमको चाहिए क्या, पहले वो देख लो, तुमको फिनॉल चाहिए तो OH Na के पास भेजेंगे, तो क्या OH लगेगा तुमको, कहाँ पे लगेगा, फिनॉल्स के साथ लगेगा ना OH। जो बचा है वो देख लो, हमारे सिलेबस में दिया नहीं लेकिन बता देता हूँ, देखो Na SO4 3, अरे OH तो आ गया इधर, NaHSO3 सोडियम बाई सल्फाइड, समझा, बोले दिया नहीं है, नहीं लिखेंगे लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू याद रख लो, बन सकता है ना, समझा क्या है, इतना ही है। चलो एक बार रिवाइज मारते देखते तुमको याद है क्या। देखो सबसे पहले मैंने बनाया है एल्डिहाइड का रिडक्शन किया, क्या बनाया अल्कोहल, कीटोन का रिडक्शन किया सेकेंडरी अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन ग्रिग्नार्डिएशन के साथ क्या प्राइमरी, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड का रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्डिएशन के साथ सेकेंडरी अल्कोहल, अगर कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ टर्शियरी अल्कोहल, फिर हम लोग ने क्या किया, एक मिनट, कार्बोक्सिलिक एसिड में दो दो यूज किया था, एक बार लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और दूसरा अल्कोहल यूज किया, मिथाइल अल्कोहल बनाया ईस्टर, वही मिथाइल अल्कोहल तुमको रिटर्न में मिल गया था लास्ट में, याद है हाइड्रोजनेशन से मतलब रिडक्शन किया था उधर भी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे याद है डायबोरॉन के साथ, वो तो थोड़ा इंटरेस्टिंग था, याद है BH3 ट्वाइस, अगर BH3 ट्वाइस यूज कर रहे हो तुमको एरो पे क्या यूज करना पड़ेगा एज अ सॉल्वेंट, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एज अ सॉल्वेंट, बराबर, फिर उससे तुमको मिलेगा ट्राई अल्काइल बोरेन ना, मतलब ट्राई इथाइल बोरेन जो भी हो सकता है, फिर उसका रिएक्शन क्या करेंगे तुम लोग, हाँ और साथ में कुछ तो यूज करना पड़ता है अल्कलाइन मीडियम, तो उस टाइम पे तुम्हारा क्या मिले तुमको BOH3 मिल जाता है, लक्षण बोरॉन का हाइड्रोक्सन मिल जाता है और बाकी तुमको अल्कोहल मिलता है, समझा। ये तो बहुत डो प्रोसेस था, डो प्रोसेस बताओ सबसे स्टार्टिंग में क्या यूज किया, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन NaOH के साथ, बड़ा NaOH के साथ, और उस टाइम पे तुमको टेम्परेचर 623-158 का प्रेशर, बड़ा, और यहाँ से HCl निकलता है, सॉल्ट बनता है, या तो सोडियम का बताते क्या था, क्लोरोबेंजीन था ना, बड़ा, तो यहाँ पे सॉल्ट बनता है इंटरमीडिएट, इसका तुम लोग एसिड हाइड्रोलाइज किए, क्या मिल गया तुमको, फिनॉल। सेकंड भी इजी था, क्यूमीन, क्यूमीन याद है, क्यूमीन का रिएक्शन का ये ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट बीच में आता है,
बरा, और तुमको मिलेगा फिनॉल, और वहां पे एक्स्ट्रा याद है क्या, एसीटोन भी मिलता है बरा। फिर लास्ट में क्या किया, बेंजीन, इजी सी है, सॉल्ट बनाया फिर एसिड हाइड्रोलाइज किया, मिल गया तुमको फिनॉल, बराबर है, समझा। तो यहाँ पे हमारा फिनॉल अल्कोहल का प्रिपरेशन खत्म हो चुका है।